Hello students, how are you? Fine, good. चलिए आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, जो कि क्लास 8 के लिए है, सब्जेक्ट मैथ है। हम लोग पिछले दो वीडियो में रेशनल नंबर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, या स्टैंडर्ड फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन, ये सब पढ़ चुके हैं। अब हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है, और उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी रेशनल नंबर भी मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, उस प्रॉपर्टी को आज जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में होता क्या है कि जब दो रेशनल नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा कोई तीसरा रेशनल नंबर आता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। देखिए, a by b एक रेशनल नंबर हुआ, इसको c by d दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये e by f के फॉर्म में आता है, जो कि ये दोनों के अलावा तीसरा है, तो इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। 1 by 2 a by b के फॉर्म में है, 5 by 3 c by d के फॉर्म में है। अब जब 1 by 2 और 5 by 3 a by b और c by d को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 by 6 यानी e by f के फॉर्म में आ गया। तो ये रेशनल नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग एडिशन में पढ़े हैं, वही प्रॉपर्टी है, बस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में उसको लागू करना है। a by b into c by d, यानी एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और इक्वल टू के उधर दूसरे वाले को पहले और पहले वाले को जब बाद में कर देते हैं, यानी केवल ऑर्डर को चेंज करते हैं, रेशनल नंबर के ऑर्डर को चेंज करके जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा सेम रहता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। 1 by 2 into 5 by 3 दो रेशनल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 5 by 3 को 1 by 2 से करेंगे। यहाँ देखिए 1 by 2 फर्स्ट में था, 5 by 3 सेकेंड में था, बस इधर इसका ऑर्डर चेंज कर दिए हैं, 5 by 3 पहले 1 by 2, लेकिन मल्टीप्लाई सेम दो रेशनल नंबर को करना है, तो 2 इंटू 3 कीजिए या 3 इंटू 2 कीजिए, बात तो बराबर होगा, दोनों के रिजल्ट 6 ही होगा। तो इस तरह से ये जो है रेशनल नंबर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन रेशनल नंबर को लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट को ब्रैकेट के बाहर करते हैं, बाकी दोनों को ब्रैकेट के अंदर, यानी a by b into c by d into e by f ब्रैकेट के अंदर है, जब उधर जाता है तो ये a by b और c by d ब्रैकेट के अंदर हो जाता है, और लास्ट वाला जो ब्रैकेट के बाहर हो जाता है। मींस तीन कोई भी रेशनल नंबर तीन लीजिए और उसको किसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिए, तीन रेशनल नंबर लेना है और उसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है तो वो एसोसिएटिव होंगे। देखिए 1 by 2 3 by 4 into 5 by 2 ब्रैकेट के अंदर है, उस तरफ गया तो 1 by 2 और 3 by 4 ब्रैकेट में हो गया और 5 by 2 बाहर हो गया। अब इसको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं तो 15 by 8 हो गया, 1 by 2 15 by 8, इधर ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया तो 3 by 8 और 5 by 2, अब इसको 1 को 15 से कीजिएगा तो 15 2 8 या 16, यानी 15 by 16 इधर भी हो गया, 3 5 या 15 और 8 2 या 16, यानी दोनों तरफ हमारा जो है वो आंसर इक्वल आता है, तो यानी रेशनल नंबर एसोसिएटिव भी होते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मींस किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, रिजल्ट वही रेशनल नंबर होगा, चाहे वो कोई भी रेशनल नंबर हो, उसको 1 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। a by b into 1 is equal to a by b, पहले से भी हम जानते हैं कि किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही डिजिट रहता है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर रहता है, तो चाहे रेशनल नंबर हो या रियल नंबर हो या फिर कोई भी नंबर हो, 1 से किसी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट वही होगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का एग्जाम्पल है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स होता है किसी रेशनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, किसी रेशनल नंबर को जब उसके रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल मीन्स n by d होता है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, जब उसको रेसिप्रोकल कीजिएगा तो डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर नीचे चला जाएगा, यानी d by n हो गया। जैसे यह है 1 by 3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 ऊपर और 1 नीचे, 3 by 1, अब जिसको मल्टीप्लाई कीजिएगा
तो थ्री से थ्री कट गया, वन से वन यानी वन आंसर हो गया। तो किसी भी रेशनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल या उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट वन आता है, यानी ए बाई बी को बी बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वन होगा। जैसे 5 बाई सिक्स को 6 बाई फाइव से मल्टीप्लाई किया, 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, वन आंसर आ गया। ये हो गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। और इसमें क्या होता है, ए बाई बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी बाई डी प्लस ई बाई एफ से, ये हो जाएगा ए बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस ए बाई बी इंटू ई बाई एफ के फॉर्म में। ए बाई बी को ब्रैकेट के अंदर सी बाई डी प्लस ई बाई एफ दोनों ये प्लस में है, इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी को एक बार सी बाई डी से मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे और दूसरे बार ए बाई बी को ई बाई एफ से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह का अगर एग्जाम्पल है तो वो इस प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इसका एग्जाम्पल लीजिए, 1/2 इंटू 3/4 प्लस 5/6। इसको सॉल्व करेंगे, ये 1/2 इंटू 3/4 प्लस 1/2 इंटू 5/6। इसको इस तरह से सॉल्व कीजिए और उसको उस तरह से, दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। इसका एलसीएम लेंगे 4/6 का तो क्या होता है 12, 4/3 जा 3, 3 जा 9, 6/2 जा 5/2 जा 10। इधर कीजिए 3/1 जा 3 और 4/2 जा 8, 5/1 जा 5 और 6/2 जा 12। ये हो गया 1/2 इंटू 90/12। इधर 8 और 12 का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 24, 8/3 जा 3/3 जा 9, 12/2 जा 5/2 जा 10। इधर से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों को ऊपर से ऊपर, 19, 12/2 जा 24, इधर भी 19/24, यानी LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया, वेरीफाइड हो गया, यानी इस प्रॉपर्टी को भी रेशनल नंबर फॉलो करता है। अगला है कि किसी भी रेशनल नंबर को, ये समझ लीजिए कि जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट जीरो ही होगा। जैसे किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जीरो होता है, उसी तरह से किसी भी रेशनल नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो जीरो होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टियां थी जिसको हमने बता दिया। अब इसी पे बेस्ट आपका क्वेश्चन आंसर जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो एक्सरसाइज 1D में है, उसको सॉल्व किया जाएगा। अभी एक्सरसाइज 1D का फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई, जिसका एक हम बता रहे हैं, खुद से आपको बनाना है, बाकी के सारे जो है वो आप खुद बनाइएगा। 4/15 इंटू 3/8। देखिए ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को। दो रेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, थर्ड रेशनल नंबर। ना 4/15 होगा आंसर, ना 3/8 होगा। इसका आंसर क्या होगा उसको सॉल्व करते हैं। 4 का टेबल में 8 कितने बार में आता है, 2 बार में। 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में। ऊपर 1 और 1 बचा, यानी 1 into 1 by 5 into 2, 1 by 10। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से सेम सबको बना लेना है, ठीक है। सेकेंड है सिंप्लीफाई, यानी ये ब्रैकेट के अंदर है दो रेशनल नंबर प्लस फिर दो रेशनल नंबर इधर ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जबकि बोर्ड मार्क्स के रूल में हम जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए इसके 4 के टेबल से 8 कितने बार में जाता है, 2 बार में। अब 3 से 5 में ही कटेगा तो आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 के टेबल में 16 कितने बार में जाता है, 2 बार में।
अब कोई किसी से नहीं कटेगा, तो 2, 3 जा 6 और ये माइनस का साइन है इसलिए माइनस लगा दिए, बाय 5 प्लस 7, 2 जा -14 बाय 25। इधर बच गया -6/5, इधर बचा -14/25। प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस और माइनस जब दो साइन एक साथ आते हैं तो उसको क्या कर लेते हैं बताइए, मालूम है? ठीक है, माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, जो कि पहले हम लोग इंटीग्रल में भी पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा 14/25। अब क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, क्या होगा 25 के टेबल में 25 कितने बार में आता है, 5 बार में, और 5 को -6 से कीजिएगा तो -30, और ये 25 के टेबल में 1 बार में तो 14 दोनों डिजिट्स क्या है, निगेटिव है, दोनों जो इंटीगर है वो निगेटिव है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा -44/25। ये सेकेंड बन गया। इसी तरह से सेकेंड का बाकी जो भी है वो आप सिंप्लीफाई इसी तरह से कर लीजिएगा, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करके फिर दोनों को आपस में ऐड करना है तो ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करना होगा तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सो डैट थर्ड क्वेश्चन है, सो डैट क्वेश्चन नंबर ए है इसका, -5/8 × 4/15 मल्टीप्लाई -3/4 इक्वल टू -5/8 बाहर आ गया, और ये 4/15 और ये जो बाहर था -3/4 ये ब्रैकेट के अंदर हो गया, यानी एक तरफ को क्या बोलते हैं इधर लेफ्ट साइड को LHS और इसको क्या बोलते हैं RHS, दोनों को बारी बारी से सॉल्व कीजिए। पहले हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं, LHS का फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए पहले हमने क्या बोला था कि ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो लिख लेंगे -5/8 × 4/15 मल्टीप्लाई -3/4 4, 2 जा 8 5, 3 जा 15 कट गया, ऊपर बचा -1 नीचे बचा 6 -3/4 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो -1 को -1 से गुणा कीजिएगा तो +1 हो जाएगा और 4, 2 जा 8 ये हमारा LHS आ गया। अब हम ब्रैकेट इक्वल टू के उधर वाले को सॉल्व करेंगे, -5/8 × 4/15 × -3/4 पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 4 से 4 कट गया 1 बार में, 3 से 15 कट गया 5 बार में, और 3 बन जा 3, ये बचा -5/8 × -1/5 1 को -1 से गुणा कीजिएगा तो -1 5 से 5 कट गया -1 और -1 को -1 से कीजिएगा तो +1 और 8 बन जा 8। देखिए 1/8 यहाँ भी आया 1/8 यहाँ भी आया, यानी LHS इक्वल टू RHS रूट। हमने शो कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू दिया हुआ है उसको सॉल्व करने पे उतना ही आएगा जितना राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया। इस तरह से हमने दिखाया कि ये दोनों इक्वल है, इसी तरह से बाकी इसके जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से आपको इक्वल दिखा देना है। पहले इक्वल टू के इधर वाले LHS को सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आता है RHS को सॉल्व करने पे अगर उतना ही आंसर आता है तो ये हमारा इक्वेशन जो दिया हुआ है वो सही सही है और वो प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो जस्ट लाइक 3 बनाना है, 3 के जैसा हमने बताया 3 को बनाना है, LHS को एक तरफ और RHS को एक तरफ सॉल्व करके दिखा देना है। 4 नंबर में भी उसी तरह से है, ए का वैल्यू दिया हुआ है -4/7, बी का 14/15 और सी का -3/4। अब एक तरफ आपको ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी दिया हुआ है और इक्वल टू के बाद ए इंटू बी को ब्रैकेट में किया और सी को बाहर कर दिया है जैसा कि पीछे हमने बताया, तो 4 आप खुद ब खुद बनाइएगा सेम टू सेम 3 की तरह। 5 में स्टेट द प्रॉपर्टी इलस्ट्रेटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल,
यानी हर एक एग्जांपल में जितने भी हमने प्रॉपर्टी बताए थे पीछे मल्टीप्लिकेशन का, वो कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है a by b into ब्रैकेट में c by d into e by f और बराबर के उधर a by b into b by c by d कर दिया ब्रैकेट में और e by f को बाहर कर दिया। तो इस तरह का प्रॉपर्टी हम कौन सी प्रॉपर्टी में देखे थे, a into b into c ब्रैकेट के अंदर, a into b को ब्रैकेट में और c को जब बाहर कर दिया जाता है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। कौन सा प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव। गुड, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल हमने लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन इसका है -4/7 into -5/8 equal to -5/8 into -4/7, यानी बस ऑर्डर को चेंज किया है, रेशनल नंबर वही है, मल्टीप्लाई करना है, ऑर्डरिंग को चेंज कर दिया है, तो उस तरह का कौन सा होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बस लिख देना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। थर्ड में है, हमने बताया था लास्ट प्रॉपर्टी जो था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, तो ये थर्ड नंबर सी जो है वो उसी को फॉलो कर रहा है, ए इंटू बी प्लस सी इजकल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये है एडिशन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन का एग्जाम्पल, तो थर्ड में वो लिख देना है। सिक्स नंबर में उसी प्रॉपर्टी जो फाइव का सी का आंसर होगा, उसी प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सॉल्व करना है। कौन सा प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो देखिए सिक्स में क्या करना है, देखिए इन दोनों में और इन दोनों में कोई एक ऐसा रेशनल नंबर है जो दोनों तरफ है, 7/20 यहाँ भी है और 7/20 यहाँ भी है। तो करना क्या है हमें, 7/20 को ब्रैकेट के बाहर कर लेंगे और ये जो बचा है इसका 6/17 प्लस का साइन है प्लस और उधर क्या बचा 11/17 ब्रैकेट के अंदर, ये हो गया a इंटू बी प्लस सी इजकल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, जो कि ये प्रॉपर्टी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। 7/20 और ब्रैकेट के अंदर वाले को एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, ये 17 और 17 का एलसीएम 17, जब यहाँ 17 है और यहाँ भी है तो 6 का 6 हो जाएगा, उसी तरह 11 का 11, यानी 7/20 इंटू 11 प्लस 6 17/17, ये कट जाएगा वहां से, यानी 7/20 ही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड भी बनेगा, वो ले लेना है कॉमन। थर्ड में भी देख लीजिए, दोनों में एक डिजिट जो है, एक नंबर जो है वो कॉमन है और बाकी दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे ब्रैकेट में, तो वो इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करके दोनों बाकी बना लीजिएगा। 1D कंप्लीट हुआ, ये था मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर। 1E में हमें पढ़ना है डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, तो उसको आगे पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1E में क्या करना है, हमें रेशनल नंबर के डिवीजन के बारे में पढ़ना है, और डिवीजन में रेशनल नंबर जो होते हैं वो बस एक ही प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है कि जब दो रेशनल नंबर को आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर जो होगा वो हमारा तीसरा कोई रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो बस वही एक प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड में फॉलो करता है, ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ना वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिवीजन फॉलो करता है। रेशनल नंबर के डिवीजन ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और वो क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि दो रेशनल नंबर को जब आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा तीसरा कोई रेशनल नंबर होगा, जिसका एक एग्जाम्पल वन क्वेश्चन में है, डिवाइड करना है एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से, ठीक है। डिवीजन में हम लोग करते क्या है, फर्स्ट वाले रेशनल नंबर को एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। सेकेंड वाले रेशनल नंबर को क्या करना है, इस डिवाइड के साइन को क्या किस चीज में चेंज करना है, तो ये डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और इस रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल मींस नीचे वाला पोर्शन ऊपर और ऊपर वाला पोर्शन नीचे, यानी 2/3 था तो ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से देखिए 12 कटेगा कितने बार में, 6 बार में। अब ये 3 से 19 कटेगा ना, 6 से 19 कटेगा, तो हमारा बचा ऊपर क्या, 6 × 3 = 19 × 1, यानी 18/19। जो आंसर आया ना 12/19 आया ना 2/3 आया, आंसर जो होगा वो तीसरा कोई रेशनल नंबर आया,
यही होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, और सिंगल इसी प्रॉपर्टी को डिवाइड फॉलो करता है रेशनल नंबर का। सेकेंड क्वेश्चन है, बाकी जो इसके क्वेश्चन है वन का, एक हमने बता दिया बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक है, सेम इसी तरह से आपको बनाना है फर्स्ट फ्रैक्शन को, यानी फर्स्ट रेशनल नंबर को एज इट इज लिख लीजिएगा और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदल दीजिएगा, और ये जो रेशनल नंबर है इसका रेसिप्रोकल मींस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करके लिख के, अगर कटता है तो कटाएंगे, नहीं कटता है तो मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये है देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस फोर डिवाइड माइनस टू बाई फाइव इंटू थ्री बाई फोर। अब हम जब लोग पढ़े हैं तो इस रूल को हम लोग हमेशा याद रखेंगे, बॉड मास। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड और सब्ट्रैक्ट, यानी डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई से पहले आता है, तो पहले ये डिवीजन का काम करेंगे, मल्टीप्लाई का नहीं करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए माइनस फोर को एज इट इज, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, और ये फाइव जो है वो ऊपर चला जाएगा और टू नीचे आ जाएगा इंटू थ्री बाई फोर, ये वैसे ही रहेगा। अब ये फोर से देखिए फोर कट गया, अब कुछ नहीं कटेगा, ना थ्री से टू कटेगा ना टू से फाइव कटेगा, माइनस माइनस दो जगह है, ये माइनस वन में माइनस फाइव से गुणा कीजिएगा प्लस फाइव, और फाइव को थ्री से कीजिएगा तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन, ये प्लस इसलिए हो गया क्योंकि दो निगेटिव को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये माइनस वन से माइनस फाइव हुआ तो प्लस फाइव हो गया, और फाइव को थ्री से किया तो फिफ्टीन, और नीचे केवल टू बचा, ये हमारा आंसर हो गया। तो टू का एक हमने बता दिया, वन का एक बता दिया, और टू का भाई दूसरा एक क्वेश्चन बचा हुआ है वो भी आपको बता ही दे रहे हैं बीबी। ये है एट बाई फिफ्टीन डिवाइड फोर बाई फाइव इंटू टू बाई थ्री। ठीक है, फिर उसी रूल को करेंगे, पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, और डिवाइड को सॉल्व करने के लिए ये वाले रेशनल नंबर को एज इट इज लिखते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं, और फाइव ऊपर फोर नीचे टू बाई थ्री, बाद में तो जो था मल्टीप्लाई में लिख दिया हमने। अब देखिए फाइव से ये थ्री बार में कटता है, कटा दिए, टू से फोर कितने बार में कटता है, दो बार में, और दो से एट कितने बार में कटेगा, टू फोर जा एट, ऊपर बचा बस फोर, फोर को वन से कीजिएगा तो फोर, नीचे बचा थ्री थ्री जा नाइन, यानी सेकेंड का आंसर होगा फोर बाई नाइन। इस तरह से वन डी चैप्टर वन ई चैप्टर डिवीजन ऑपरेशनल नंबर खत्म हुआ। अब बचा है आपका वर्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम, इसका एक चैप्टर है, दो चैप्टर बचा हुआ है, एक है वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम और दूसरा है रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी दो दिए हुए रेशनल नंबर के बीच, तो तीन चार जितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है वही अगला एक्सरसाइज है, दोनों उसको सॉल्व किया जाएगा। एक्सरसाइज वन जी में अभी हमने बताया कि क्या करना है, दो रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन नंबर ए है माइनस फाइव एंड माइनस सिक्स, इसके बीच हमें दो एक रेशनल नंबर निकालना है। तो एक रेशनल नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वन बाई टू इंटू ए प्लस बी, दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ यही फॉर्मूला लगाएंगे वन बाई टू इंटू माइनस फाइव प्लस माइनस सिक्स, वन बाई टू इंटू माइनस फाइव और माइनस सिक्स, प्लस माइनस माइनस हो जाता है माइनस इलेवन, यानी माइनस इलेवन बाई टू हो गया, जो एक रेशनल नंबर हो गया माइनस फाइव और माइनस सिक्स के बीच। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगाइएगा वन बाई टू ए प्लस बी, वेयर ए इज द फर्स्ट रेशनल नंबर, बी इज द सेकेंड रेशनल नंबर। ये फर्स्ट का आप एक बता दिया हमने, सेकेंड आप खुद से बनाइएगा जो बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड थ्री रेशनल
रेशनल नंबर्स बिटवीन, फाइंड ए के जगह पे आप थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन, किसके किसके बीच निकालना है, 1/8 एंड 1/12। जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो दो रेशनल नंबर के बीच दो से अधिक मतलब जितना भी रेशनल नंबर निकालना होगा तो क्या करेंगे, इन दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 8 and 12। 8 and 12 का एलसीएम क्या होता है, इसका टू हो जाएगा 24। 8 के टेबल में भी 24 होता है और 12 के भी टेबल में आता है, और पहला वही है जो दोनों के टेबल में फर्स्ट जो है वो कॉमन होता है, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल एलसीएम का फुल फॉर्म भी होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल दोनों के टेबल में आता है वही एलसीएम होता है। और एलसीएम निकालना भी आप लोग जानते हैं, 8 और 12 का निकाल लीजिएगा, 4 से 6 से, फिर 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, अब किसी से नहीं जाएगा, तो 2 into 2 = 4, 4 into 2 = 8 और 8 3 = 24। अब 1/8 को ये डिनोमिनेटर जो है 8, इसको 24 करना है, तो क्या कीजिएगा, 8 से किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 3 = 3, तो इसके न्यूमरेटर में भी 3 से कर लेंगे, यानी 3/24 हो गया। 1/12 को करना है, तो 12 में किस चीज से करेंगे कि 24 होगा, 2 से, इसमें भी 2 से कर देंगे, यानी 2/24। एक आ गया 3/24 और एक आ गया 2/24, यानी 1/8 जो है वो 3/24 और 1/12 जो है वो 2/24 के इक्वल हो गया, यानी इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच हमें 3 नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, 2/24 को 10 से ऊपर भी और 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 20/240 एंड 3/24 को भी 10 से कर देंगे ऊपर नीचे, ये हो गया 30/240। अब देखिए 20/240 और 30/240 के बीच 3 नंबर आ जाएंगे, 21, 22, 23, तो हम लिख देंगे थ्री रेशनल नंबर्स आर 21/240, 22/240, 20 से बड़ा होना चाहिए और 30 से छोटा, कोई भी 3 लिख लीजिएगा, इसके जगह पे आप 24, 25, 26, 27/240 कुछ भी लिख सकते हैं, जो कि 20 से बड़ा हो और 30 से छोटा हो, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 3 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर जो भी निकालना होगा इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। यहाँ हमें अगर 10 नहीं मिल रहा है तो फिर 10 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 200/2400 हो जाएगा, ये 300/24 हो जाएगा, और 200 और 300 के बीच बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे जिसको हम इस फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2, 3, 4, 5, 10 जितने भी रेशनल नंबर निकालने हो इस फॉर्मूले से आप निकाल लीजिएगा। अगला है सेम डिनोमिनेटर दिया हुआ है, देखिए 15, 15, उसके बीच हमें रेशनल नंबर निकालना है, तो इजी है, फाइंड 5 रेशनल नंबर नंबर्स बिटवीन 4/15 and 7/15। यहां पे हमने पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को सेम किया था, यहां सेम डिनोमिनेटर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4/15 को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों में सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपके फ्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 40/150। उसी तरह से 7/15 को क्या लिख लेंगे, 7 into 10, 15 into 70/150। अब देखिए इस 40 और इस 70 के बीच बहुत सारे नंबर होंगे, उसी में से कोई 5 आपको लिख देना है, लिख देंगे 5 रेशनल नंबर्स
between 4/15 एंड 7/15 आर 40 से बड़ा 41/150 42 43/150 44/150 और 45/150 ये पांच हो गया। अब आप इसमें 61, 62, 63, 64 कुछ भी लिख सकते हैं जो 70 से छोटा हो और 40 से बड़ा हो। तो इस तरह से हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच कितने बहुत सारे रेशनल नंबर इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर सेम डिनोमिनेटर है तो आप अपने सुविधा अनुसार 5 से 10 से 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 से भी करते हैं यहाँ पे तो 4/5 = 20 और 7/5 = 35 तो 20 और 35 के बीच हमें मिल जाता। यहाँ हम 5 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी। बस ध्यान देना है कि दोनों में सेम चीज से मल्टीप्लाई करना है, जहाँ जितना से ऊपर वाले में उतना से नीचे वाले में, इधर भी वही करना है, सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और एक ऐसा आपको बना लेना है कि उसके बीच जो जितने रेशनल नंबर खोज रहा है वो आपको हो जाने चाहिए। 5 से भी कर सकते हैं, 10 से भी, 15 से भी, 8 से भी, 7 से भी, आपकी मर्जी। जिस नंबर से इन दोनों फ्रैक्शन को कर लीजिए ताकि आपको उसके बीच 5 मिल जाए। ठीक है, इजीली है, 10 से करना आसान है और इजी भी है, आप 10 से करिए। 5 से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज पढ़ा कि दो रेशनल नंबर के बीच कितने सारे रेशनल नंबर, बहुत सारे रेशनल नंबर कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा ये बताया गया इंस्ट्रक्शन, ये प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब आपको समझ में आ गया, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि वीडियो देखने से ही पता चलेगा कि किस प्रोसेस से आपको बनाना है। ठीक है, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और बताए गए निर्देश, इंस्ट्रक्शन और प्रोसेस को फॉलो कीजिए। और जितने एक्सरसाइज का हमने इस वीडियो में बताया बनाने का तरीका, जैसे 1C बताया, 1D बताया और 1E बताया और 1G बताया, तो इस तीनों एक्सरसाइज का जितने भी प्रॉब्लम्स बुक के अंदर अब छूट गए हैं, जो बताए हमने एक एक बता दिया, बाकी उसमें बचा हुआ है वो आपको खुद से बनाना है। ठीक है, अच्छे से बनाइए, सोच समझ के बनाइए और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलें, हो सके तो अपने दोस्त मित्रों के यहाँ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख के और इसका लाभ उठा सकें। ये जो हम लोगों ने व्यवस्था शुरू की है ऑनलाइन स्टडी, वो बहुत से लोगों तक पहुँचे, हमारे स्कूल के बच्चे नहीं बल्कि अदर स्कूल के बच्चे भी इस सुविधा का लाभ उठाएं। इसके लिए आप लोग अपने मित्रों, दोस्तों, रिलेटिव जितने भी हैं जो घर में बैठ के बोर हो रहे हैं, उनके लिए आप इस चैनल को बताइए कि हमारे यहाँ एक स्कूल द्वारा व्यवस्था शुरू की गई है ऑनलाइन स्टडी, उसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, आपको बस वीडियो देख के और अपने क्लास के अनुसार बनाना है। ठीक है।